Hey what's up guys, it's DM Gamers and welcome back to my channel. So guys, आज हम बात करने वाले गाइस वेक्टर गन के ऊपर। तो गाइस आप लोगों को तो पता है वेक्टर गन जब से हमारे गेम के अंदर आया है हमारे गेम को गाइस एकदम से तबाही मचा रखा है हमारे गेम के अंदर। तो इसमें आज आप लोगों को कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप वेक्टर गन को जो है वेक्टर गन अगर कोई आपका एनिमी यूज़ करते हैं उससे आप बहुत आराम से बच सकते हो। वेक्टर गन से बचने की मैं आप लोगों को प्रो टिप्स एंड ट्रिक दूंगा। वो ये वीडियो गाइस आप एकदम से गाइस लास्ट टाइम तक देखना, एक भी पार्ट गाइस आप मिस मत करना। अगर आप वीडियो का एक भी पार्ट अगर आप मिस कर देते हो आप गाइस बहुत कुछ मिस कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को एकदम से लास्ट टाइम तक देखना। मैं आप लोगों को वेक्टर गन से आप कैसे बचना है आप लोगों को मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन पूरी टिप्स मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो गाइस वीडियो को एकदम से लास्ट टाइम देखना और चैनल को जो गाइस प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना और गाइस दोस्तों के साथ गाइस एक गाइस शेयर कर देना, क्योंकि गाइस एक शेयर करोगे तो गाइस आपके लिए भी अच्छा होगा। तो इसे बात करें गाइस हमारा जो फर्स्ट नंबर जो ट्रिक है उसमें गाइस क्या है। तो गाइस हमारा जो वेक्टर जो गन है वो गाइस ज़्यादातर वार करते हैं गाइस मतलब कि शॉर्ट रेंज में। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस मेरा जो गन है वेक्टर गन वो गाइस एकदम से शॉर्ट रेंज में एकदम से ओपी तरीके से गाइस ये जो गन है ये चल रहा है। तो गाइस इसी गन को अगर मैं मिड रेंज में चलाऊँ या फिर लॉन्ग रेंज में चलाऊँ इस गन जो है ये जो गन है ये गन ज़्यादा डैमेज नहीं देगा। तो गाइस ये गन जो है बना है सिर्फ गाइस मतलब कि शॉर्ट रेंज के लिए। तो गाइस इधर इस वीडियो के आप गाइस देखो मेरे गाइस मिड रेंज में एक बंदे उस बंदे को मैंने मारा और 6-7 करके ऐसा गाइस डैमेज दिया था और एक बंदे को मैं गाइस मारूंगा वो क्लिप गाइस आप गाइस देखना। तो गाइस इधर देखो मेरे सामने एक बंदे उसको मैंने गाइस डैमेज दिया 6-7 करके गाइस बंदे को जो है डैमेज जो है वो दे रहा है। तो गाइस हमारा जो वेक्टर गन है ये गाइस बना है सिर्फ गाइस शॉर्ट रेंज के लिए, ये बिल्कुल भी लॉन्ग रेंज और बिल्कुल भी मिड रेंज के लिए नहीं बना है। तो गाइस मैं आप लोग को अभी गाइस इससे गाइस आप लोग को फायदा जो है वो गाइस उठाना है। तो गाइस फायदा आप कैसे उठाओगे, तो गाइस वेक्टर गन जो है वो गाइस सिर्फ शॉर्ट रेंज में काम आता है बंदे की। अगर गाइस अगर आप बंदे से मतलब कि लॉन्ग रेंज में हो क्लैश स्क्वाड खेलो या फिर रैंक खेलो, अगर आप मतलब कि बंदे से लॉन्ग रेंज में हो तो गाइस आप बंदे को जो है गाइस लॉन्ग रेंज के जो भी गन हो आपके पास लॉन्ग रेंज के गन से आप गाइस बंदे को मारो। अगर आपके पास M187 है उससे भी गाइस आप बंदे को मतलब कि लॉन्ग रेंज में मारो। आप गाइस लॉन्ग रेंज में बंदे को मार नहीं सकते शॉर्ट गन से, पर गाइस आपके पास जो भी ERMO का या फिर SMG का जो भी गन हो EMP वगैरह उस सबसे गाइस आप गाइस बंदे को लॉन्ग रेंज में मारो। तो गाइस ये टिप आप गाइस जरूर यूज करना। बात करें हमारा जो सेकंड नंबर जो टिप है उसमें गाइस क्या है, तो गाइस हमारा वेक्टर गन जो है वेक्टर गन के सामने अगर कभी हमारा शॉर्ट रेंज में फाइट हो जाते हैं, शॉर्ट रेंज में फाइट तो होना ही है गाइस हमारा। तो गाइस शॉर्ट रेंज में फाइट जब हो उसके लिए गाइस हमको शॉर्ट रेंज के लिए अगर आप MP40 MP5 ये सब यूज़ करते हो तो गाइस ये सब अच्छा नहीं है, क्योंकि MP5 MP40 लेके जाओगे तो बंदा आपको बहुत आराम से मार देगा क्योंकि इस रात दिन का गाइस फ़र्क है। तो गाइस अगर वेक्टर गन का जो है वो गाइस डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसका जो है गाइस हमारा जो रेट ऑफ फायर है वो भी गाइस बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आपको गाइस ये चीज़ तो आपको पता चल गई गाइस आप MP40 और MP5 आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो गाइस आपको यूज़ गन कौन सा करना, तो गाइस आपको गन जो यूज करना है वो है गाइस शॉर्ट गन यूज करना है। आपको M10 यूज करना है या फिर दो गली, तो इस दो गली शॉर्ट गन या फिर M10 गाइस बहुत गंदा डैमेज देते हैं। तो इस ये दोनों गन को आपको यूज करना है। तो इस हमारी गन की बात होगी, अभी गाइस हम अपना मतलब कि मेन टिप में आते हैं। तो गाइस आपको जो क्या करना है, आपको आप जब भी वेक्टर गन चलाओ आप गाइस पहला शॉट मारते पहला एक दो शॉट आप बंदे को मारो, उसके बाद आप फटाफट गाइस ग्लूअल जो है वो गाइस यूज कर लो। गाइस अगर आप ग्लूअल यूज नहीं करोगे तो बंदा जो आपको बहुत आराम से वेक्टर गन से मार देगा, क्योंकि इस वेक्टर गन का जो डैमेज है वो बहुत ही गंदा डैमेज है। तो इसी तरह देखो मैंने उस बंदे के पास वेक्टर था और मैंने पहले गाइस बंदे को एक शॉट मार के मैं गाइस ग्लूअल जो है वो गाइस मार रहा हूं, क्योंकि इस बंदा नॉकऑन इस पहले डायरेक्ट गाइस ग्लूअल जो है वो गाइस मार देना चाहिए। तो इधर देखो अगर आप ग्लूअल नहीं लगाओगे तो गाइस क्या होगा, तो इधर देखो मेरा एक सेकंड का भी बंदे ने टाइम नहीं दिया, बहुत आराम से बंदे ने मेरे को इस वेक्टर गन है उसके पास और उसने मेरे को बहुत आराम से नॉकडाउन कर दिया। तो गाइस ये वाला टिप आप गाइस बहुत इजीली बहुत आराम से गाइस समझ गए हो कि गाइस देखो एक या दो शॉट मारते मारते आपको जो है ग्लूअल मार देना है, क्योंकि नहीं तो गाइस बंदा बहुत आराम से आपको जो है मार देगा। तो गाइस अभी बात करें हमारे जो थर्ड नंबर जो टिप्स एंड ट्रिक है उसमें गाइस, तो गाइस अभी हमारे थर्ड नंबर जो टिप्स है उसमें गाइस आप पहले गाइस इस वीडियो में देखो मैंने गाइस पहले एक या दो बंदे को मैंने मारा, उसके बाद वो बंदा इधर से सोचो मैं उधर से आऊँगा और वो बंदा उधर से गया और मैं गाइस पीछे से उसको बहुत गंदा वाला डैमेज दे दिया। अभी मैं उधर उसको मारने जा रहा हूँ और मैंने गाइस उसको बहुत गंदा डैमेज दे दिया। अभी गाइस इधर बंदा है उसको मैंने नॉक कर दिया और एक बंदा डबल वेक्टर लेकर आया उसको मैंने नॉक कर दिया। तो गाइस इसमें गाइस मेरा कहने का मतलब क्या है, तो मेरे कहने का मतलब है गाइस आप गाइस जब भी गाइस मतलब कि जो भी आपके सामने जो भी बंदा हो डबल वेक्टर लेके उसको गाइस आप शॉर्ट गन या फिर जो भी गन से आप मारो आपको सरप्राइज अटैक करना है। सरप्राइज अटैक
कैसे करना है। तो गाइस इधर देखो, वो बंदे लोग मेरे टीममेट को मार रहे थे और मैं गाइस अचानक से पीछे से आया और पीछे से मैंने गाइस उन लोगों को सरप्राइज अटैक मार दिया। और एक बंदा देखो जोकर वाला बंदा जा रहा है, उसको मैं गाइस पीछे से गाइस हमला कर दिया, इसको बोलते हैं गाइस सरप्राइज अटैक। तो गाइस आपको इस हमेशा गाइस वेक्टर वाले बंदे को सरप्राइज अटैक करना है, और सरप्राइज अटैक करना है अगर बंदा आपको देख लेता है और बंदा आपको गाइस डैमेज देता है तो गाइस आपको फटाफट जो है ग्लोबल लगा लेना है या फिर गाइस आपके एक परमानेंट कवर में आपको चले जाना है। तो गाइस देखो मैं गाइस मतलब कि कैसे इन बंदे को मार रहा हूँ, ऐसे कैसे आप लोगों को करना सरप्राइज अटैक जो है आपको इस बंदे को मारना है। तो गाइस मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है वो गाइस बहुत पसंद आया होगा। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो 1% गाइस आपको वीडियो पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ गाइस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हो गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।